कक्षा सातवीं पाठ 19 दोहावली। प्यारे बच्चों, आप कबीर जी के बारे में तो जानते ही हैं, उनके दोहे भी आपने सुने होंगे। तो चलिए आज हम कबीर जी के बारे में बात करेंगे। कबीर संत काव्य धारा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके जन्म और मृत्यु को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर जी निरक्षर थे। बच्चों, निरक्षर का अर्थ है बिना किसी अक्षर के, अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कोई रचना नहीं लिखी, उन्होंने जीवन के अनुभवों को ही मौखिक तौर पर कहा और उनके शिष्यों ने ही उनकी रचना को लिखा। कबीर जी ने बीजक नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने ब्रज, अवधी और राजस्थानी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया, जिसे सुधुकड़ी का नाम दिया गया। चलिए आज हम दोहावली का उच्चारण करेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। कबीरा आप हु शीतल हो। कबीर जी कहते हैं कि हमें घमंड रहित मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों को ही सुख देती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरा बहुरी करेगा कब। कबीर जी कहते हैं कि जो काम हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि पल भर में सब कुछ नष्ट हो सकता है, फिर काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। विद्या धन उद्यम बिना कहो छुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। कबीरा जो पंखे की पौन। कवि कहते हैं कि विद्या रूपी धन मेहनत के बलबूते पर ही पाया जा सकता है। जैसे पंखे को हिलाए बिना हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार बिना मेहनत के विद्या नहीं पाई जा सकती। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरा पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी कहते हैं कि पोथी अर्थात पुस्तकें पढ़कर भी लोग विद्वान इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे प्रभु के प्रेम को नहीं समझते। जिसने प्रभु प्रेम रूपी पढ़ाई कर ली वह विद्वान बन सकता है। कबीर जी यहाँ कहना चाहते हैं, बोली एक मूल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कबीरा तब मुख बाहर आन। कबीर जी कहते हैं कि हमें शब्दों को मन रूपी तराजू पर परख कर ही मुख से बाहर निकालना चाहिए। भाव हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरा
फल लागे अति दूर। कबीर जी कहते हैं कि बड़ा होने से व्यक्ति महान नहीं बन जाता, जैसे कि खजूर के पेड़ की स्थिति होती है, वे अपनी ऊंचाई के कारण ना तो किसी को सरलता से फल दे पाता है और ना ही किसी यात्री को छाया का सुख दे पाता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय, कबीरा निर्मल करे सुभाय। कबीर जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने नजदीक ही रखना चाहिए, वे अपने स्वभाव के अनुसार हमारी बुराई करेगा, हमारी निंदा करेगा और बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे स्वभाव में अपने आप निर्मलता आ जाएगी, हमारा स्वभाव अपने आप ठीक हो जाएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आको, जो दिल खो जापनो मुझसे बुरा ना कोई, कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। कबीर जी कहते हैं कि दूसरों में बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हम सब में कोई ना कोई बुराई जरूर होती है, हम उसे नहीं देख पाते। कबीर जी कहते हैं कि जब मैंने अपने दिल को खोजा, अपने अंदर झांका, तो मुझे लगा संसार में मुझसे बुरा व्यक्ति कोई है ही नहीं। अति का भला न बरसना, अति की भली न धो, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, कबीरा अति की भली न चुप। कबीर जी कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा किया गया कोई भी काम बुराई की तरफ ले जाता है, अधिक वर्षा या फिर अधिक धूप हानिकारक होती है, इसी प्रकार अधिक बोलना या अधिक चुप रहना भी उचित नहीं होता, अतः इस बुराई से बचने के लिए संयम से ही काम लेना चाहिए।